सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेनी है सुर्खियों के वल। कनेडा च जगमीत सिंह की पार्टी की वड्डी जित एनडीपी के 34 लिबरल का एक उम्मीदवार जेतू। 37 विधानसभा सीटों च 34 से जगमीत सिंह की उम्मीदवार। बिहार च जाति जनगणना से सियासत जारी। सुप्रीम कोर्ट च सुनवाई। अज पटिशनकर्ता ने जाति सर्वेखण नूं दित्ती चुनौती। भाईमन की अगुवाई विच पंथक धिरां वल्लों एकजुट होण लई कीती गई कतरता। पंथक दलां नूं केसरी निशान साहिब हेठ इकट्ठे होकर कौम की चढ़दी कला लई इकट्ठे होण दी कीती गई अपील। कनेडा के मैनीटोबा सूबे च पंजाबी मूल के जगमीत सिंह की पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। 57 विधानसभा सीटों चो 34 से जगमीत सिंह के उम्मीदवार जीते ने। इन्हां चो पंजाबी मूल के 3 कनेडियन भी शामिल ने। इतने दस दिए कि इस हफ्ते मैनीटोबा सूबाई चोणों में एक सिंगल लिबरल चुनिया गया। मैनीटोबा लिबरल MLA सिंडी लैमोरक्स हुण लिबरल ब्रांड के तहत टोरंटो के पछम तो चुनी गई इकलौती सूबाई सियासदान है। इन्हां चोणों में जिथे दलजीत बराड़ ब्रोज ने विधानसभा सीट जीती है, उत्थे ही मिंटू संधु और जसदीप देवगन करमवार दी मैपल्स और मैक फिलिप्स तो चुने गए। तिने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार सन जिसने बहुमत हासिल किया। सूबे च NDP सरकार बनाएगी। उत्थे ही बराड़ ते संधु भी कैबिनेट अहुदे की दौड़ विच ने। पंजाबी मूल के कुल 9 NRI मैदान च सन। कनेडा के किसी सूबे च जगमीत सिंह की पार्टी की इतिहासिक जित कारण सिख ते पंजाबी भाईचारे च खुशी दी है। बिहार जाति गणना की रिपोर्ट अते जातियां समुदाय की आबादी के अंकड़े भावें ही जारी हो चुके हैं, पर इस नूं लैके सियासत अजे भी जारी है। बिहार च जाति जनगणना नूं लैके दायर पटीशन ते मतलब कि अज सुप्रीम कोर्ट च सुनवाई होनी है। पटीशनकर्ता ने बिहार सरकार के जाति सर्वेखण नूं चुनौती दिंदिया दावा किया कि यह निजता अते सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उलंघन है। पटिशनकर्ता ने कहा है कि बिहार सरकार ने जाति सर्वेखण के अंकड़े प्रकाशित कर दिते ने, लिहाजा इस मामले से सुनवाई की जानी चाहिए है। बिहार की कुल जनसंख्या 13 करोड़ तो ज्यादा। पटना के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल सायंसिज एम्स च कैंसर के मरीज के दाखले लैके हुए विवाद कारण गार्डा ते मरीज के परिवारक मैंबरों विचाले जबरदस्त लड़ाई होगी। मरीज के परिवारक मैंबरों गार्डा ने इन्नी बुरी तरह कुटिया कि वह बुरी तरह बीमार हो गया। हमले की एक वीडियो भी वायरल हुई है जिस विच लोग कह रहे हैं कि गार्ड द्वारा किए गए हमले कारण मरीज के परिवारक मैंबर की मौत हुई है। हालांकि पटना के एम्स के फुलवाड़ी पुलिस स्टेशन ने इस संबंध में पुष्टि नहीं की है। थाना सदर के मुखी सफीर आलम ने दसिया कि कुटमार की ना सामने आई है, पर किसी की मौत बारे कोई जानकारी नहीं है, ना ही इस मामले में किसी की भी दरखास्त थाने चाहिए। एम्स पटना के डायरेक्टर डॉक्टर GK पाल ने दसे कि बेडा की घाट कारण कैंसर पीड़ित के परिवारक मैंबरों से एमरजेंसी स्टाफ के गार्डा विचकार लड़ाई हुई है। हालांकि किसी की मौत नहीं। अमृतसर च पंथक दलां नूं केसरी निशान साहिब हेठ इकट्ठे होके कौम दी चढ़दी कला लई शुरू होई मीटिंगां दे सिलसिले तहत इकत्रता हुई। 2015 दे सरबत खालसा सम्मेलन दे मुख प्रबंधक भाई जरनैल सिंह सखीरा दे प्रबंधा हेठ ते मुतवाजी जथेदार भाई ध्यान सिंह मन दी सरप्रस्ती हेठ होई इकत्रता विच केसरी निशान साहिब दी सरप्रस्ती कबूलन दे नाल नाल हमेशा पंथ नूं पहल ते पंथ नूं समर्पित रहण दा अहद लिया गया। इस मौके भाई ध्यान सिंह मन ने कहा कि समुची सिख कौम विश्व पद्धर ते सिखी नूं प्रफुल्लित उत्साहित करन लई अपना योगदान पा रही है, पर अफसोस है कि कुछ पंथ दोखियां दे कारण कौम अते पंथ नूं कई थावां ते नमोशी दा सामना करना पै रहा है, जिसका डटवा विरोध करन ते मूंह तोड़वां जवाब देण लई केसरी निशान साहिब हेठ इकट्ठे होना समुचे पंथक दलां दी मजबूरी अते लोड़ बन गई। जिहड़े श्रोमणी कमेटी ने तख्तां दे जथेदार बनाए ने, मैं उन्हां दी गल कर रहा, बई
ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਛੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇਵ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇਵ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਰਣਜੀਤ ਕੋਹਲੀ ਉਰਫ ਰਕੀਬ ਉਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਕੌਸ਼ਲ ਰਾਣੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਰਕੀਬ ਉਲ ਹਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਖਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹੜੇ 32 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 90 ਡੇਂਗੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 54 ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 36 ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1547 ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 1912 ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 6 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੀਏਪੀ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮੱਚ ਗਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਟਰੱਕ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ
पास के लोगों ने उन्होंने इलाज लिए सिविल हस्पताल कपूरथला विखे दाखिल करवाया, जिथे दोवां का एमरजेंसी वार्ड से इलाज चल रहा। जख्मी पति पत्नी के रिश्तेदारों ने दोषियों खिलाफ कार्रवाई न किए जाने की मांग को लेकर सिविल हस्पताल के बाहर धरना दिता। पुलिस के भरोसे मगरों धरनाकारियों ने धरना चुक लिया। जख्मी पति पत्नी ने दसिया कि वह लंबे समय तो सिविल हस्पताल के बाहर चाह वेचण का काम करते हैं। देर शाम वो अपने स्ट्रीट विक्रेता से ग्राहकों लिए चाह बना रहे थे, उदों नौजवानों ने पुरानी रंजिश के चलद तेज तार हथियारों के नाल उन्हें हमला कर दिता, जिस कारण वह दोवें जख्मी हो गए। उक्त हमलावर ने उसकी रेहड़ी भी उल्टा दिता। हस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि हमले संबंधी MLR संबंधित थाने भेजी जा रही। दीनानगर के झंडा चौंक बाईपास नेड़े मोटरसाइकिल सवार दो लुटेरिया ने मनियारी की दुकान बंद करके घर वापस आ रहे सबका सैनिक से पिस्तौल ते तेज धार हथियारों नाल हमला कर दिता। उसकी स्विफ्ट कार, कीमती मोबाइल ते 16,000 रुपए की नकदी लुट के फरार हो गई। राहगीरां ने सबका सैनिक नूं सिविल हस्पताल गुरदासपुर पहुंचाया ते पुलिस नूं सूचित किया। इस संबंधी दीनानगर पुलिस का कहना है कि उन्होंने वालों मामला दर्ज करके जांच की जा रही। बीते दिन मजीठा के पिंड नागकलां विखे क्वालिटी फार्मास्यूटिकल नाम की दवाइया की फैक्ट्री में लगी भयानक अग के चलद जिथे फैक्ट्री में काफ़ी कुछ सड़ के सुआह हो उ अग बुझाने तो बाद चार मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जिन्हों तीन नौजवान तो एक महिला दसी जा रही है। जिस संबंधी पुलिस प्रशासन वालों मामले की गंभीरता के नाल जांच की जा रही है। दूजे पास मृतकों के परिवारक मैंबरों वालों थाना मजीठा में पहुंच के इंसाफ की मांग की जा रही है। फैक्ट्री मालकों वालों अग बुझाने के सुरक्षा प्रबंधों की कमी के चलद हादसा वापरन की गल कही जा रही है। बटाला के नज़दीकी पिंड शाहबाद में देर रात माहौल उस वेले दहशत भरिया बन गया जदों पिंड के रहने वाले एक नौजवान सुमनप्रीत सिंह के घर का गेट टप के घर अंदर दाखिल होकर तीन अणपछाते नौजवानों ने गोलियां चलाते हुए सुमनप्रीत सिंह दो गोलियां मार के जख्मी कर दिता। उत्थे ही उक्त नौजवान गंभीर जख्मी हालत के चलद सिविल हस्पताल बटाला के स्टाफ वालों फर्स्ट एड दे के अमृतसर हस्पताल रैफर कर दिया गया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस पार्टी वालों मौके पर पहुंच के जांच शुरू की गई। ये कहने मुताबक सुमनप्रीत दे कहिंदा कि तीन जने अंदर आए आ तो उन्हां को पिस्टल है तो मौके से एक चलिया रौंद तो एक अण चलिया रौंद बरामद हो मुंडे दो गोलियां वजियां एक खब्बी लत्त च वह पिनी दे वजी आ गिटे दे लागे तो एक जिहड़ी वह नलां दे लागे वजी आ सज्जी लत्त च। जेकर एक व्यक्ति टीचा मिथ लवे तो उस टीचे वाल बदन लई मेहनत हिम्मत करे तो दुनिया की कोई ताकत उसनों अपना टीचा हासिल करन तो रोक नहीं सकती। गुरदासपुर के रहने वाले 14 साल के बच्चे केविन सिंह ने खेड खेड विच रिकॉर्ड बनाने का टीचा मिथ लिया ते अपनी लगन ते मेहनत की बदौलत बहुत जल्दी उस टीचे की पहली पौड़ी चढ़ गया। केविन सिंह ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 विच कार्डबोर्ड स्पिनिंग यानी उंगलों ते तख्ती घुमाने का रिकॉर्ड तोड़ के नवा रिकॉर्ड बना दिता। यह रिकॉर्ड पहला केरल के रहने वाले 17 साल के नौजवान हरिनाम के नौजवान के नाँ पर सी जिसने 2005 एक घंटा 3 मिनट से 15 सैकेंड अपनी उंगलियां ते तख्तियां घुमा के यह रिकॉर्ड बनाया सी जिसनों 18 साल बाद केविन सिंह ने तोड़िया। केविन सिंह हुण 2.25 घंटे के करीब बिना रुके बिना थके अपनी उंगलियां ते तख्ती घुमा लैंदा। इहो नहीं हो तख्ती घुमाते हुए अपनी उंगल भी बदल लैंदा ते 3-3 घंटे भी मिनटा गिनिस बुक का रिकॉर्ड तोड़न वाल वध रहा है। सिंह धालीवाल है, इसकी शुरुआत मैं क्लास एक बार कार्ड गत्ता घुमाता पाया मेरे मैं वीडियो उसकी पोस्ट की तो मेरे फ्रेंड ने मैनों मैसेज किया कि तू रिकॉर्ड के बहुत करीब आ गया है
तो उस दिन तो मैं प्रैक्टिस की, मैं अपने मन से ठान लिया कि मैं रिकॉर्ड नो ब्रेक करना ही करना, तो मैं 14-15 दिन से रिकॉर्ड नो मैं ब्रेक करता। तो जोड़ा पहला प्रीवियस रिकॉर्ड से वो 1 घंटा 3 मिनट का सी, पर जो मैं ब्रेक किया वो मेरा 1 घंटा 6 मिनट का सी। कि फील होया रिकॉर्ड तोड़ते? फील बहुत वधिया होया, मैं बहुत प्राउड अपने आप से महसूस हुई, बहुत खुशी हुई मैनू सारे अपने आप से। की एम रखा अब? एम रखा कि हम मैं गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ना है। जो पता लगा भी ये रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहता, फिर नहीं, फिर असं पूरी हलाशेरी पूरा साथ दिता यदा असं। कि तू कर हूँ तो बहुत खुशी होंगी है जी, हूँ ये स्कूल जाइना वह भी तुम पता इन्होंने दिनों तो सारे ने हम बधाई दतिया, अच्छा लगता क्योंकि बेटे ने रिकॉर्ड ब्रेक किया। पंजाब सरकार वालों सूबे विच खेडां वतन पंजाब दीआं दो करवाईआं जा रहीआं ने, इसे दे चलदिआं जिला गुरदासपुर अंदर भी सरकारी कॉलेज गुरदासपुर विखे यह 26 सितंबर तो खेडां करवाईआं जा रही ने, पर हालात यह ने कि खिडारियों उन्हां दे नाल आए अध्यापकों मुताबिक रिफ्रैशमेंट तो दूर दी गल, जिला प्रशासन वालों खिडारियों लई ग्राउंड विच पानी तक का भी प्रबंध नहीं किया गया, तो खिडारना लई वाशरूम तक का भी प्रबंध नहीं है, जिस कारण खिडारियों नूं खेडां लई ग्राउंड विच लिआ के आए अध्यापक भी प्रशासन नाल बच्चों लई बहसते हुए नजर आए। खिडारना ने है कि माड़े प्रबंधों नूं वेख उन्हां नूं बहुत दुख लग्या ते उन्हां दा मनोबल भी हेठां डिग गया। इस संबंध में जिला खेड अधिकारी सिमरनजीत सिंह इस मुद्दे ते अपनी सफाई देंदे नजर आए ते पानी खत्म हो जाण ते दुबारा मंगवाउण दी गल कहिंदे होए नजर आए। एस वाई एल के मुद्दे से डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू का बयान सामने है, जिन्हें कहा कि एस वाई एल का भोग मरहूम साबका मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल के हुंदिया ही पै गया सी। उन्होंने चोणां लड़न के मुद्दे पर कहा कि वह जिथों चोण गए उतों चोण लड़ सकते हैं। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू कैंसर संबंधी मुहिम बारे गल कर रहे सन। पंजाब च मैं फिरना हूँ, आए तो मैं जड़े हल्के जाके बैठ जाऊँ, मैंने कहते तो उतो इलेक्शन लड़नी है, मैंने तो सारे पंजाब के लोगों प्यार है, मैं जितों मर्जी लड़ना। हूँ चंडीगढ़ वाले ने लिख के देता मैडम उतो लड़ ले, अमृतसर वाले ने लिख के देता मैडम उतो लड़ ले, हूँ पटियाले वाले लोग जो कहते हैं भी पटियाले तू लड़ ला मैं इतों लड़ लूँ, ये तो लोगों का प्यार है। अपील है मेरी, 16 अक्टूबर सा पहला कैंप है 18, इस तुम जिनी एडवरटाइजमेंट कर सको जिन्ना तुसी कह सको अपने रिश्तेदारों भी अपने अगे भी ये गल मैक्सिमम फैलाओ। अज मेरे ते कोई दुशहरे वाले टाइम मैं सिर्फ चीफ गेस्ट सी, मैनू बुलाया गया, की प्रॉब्लम है? जे मेरे खर्चे सरकार होने वाली भगवंत मान मैनू बुला के पूछ लेंदा है भी बीबी है तू आ पैसा तेरे मंत्री ने आ किया, मैनू की प्रॉब्लम है दसन च? जे मैं चोर नहीं हाँ, तो जे मैं कुछ गलत किया है तो तुम जड़ी 15 साल क्यों लटकाया? जड़ा गलत है उन्होंने तो 15 साल लटका के तुम छुट्टी देंदे रहे, या उन्होंने उदो ही दसो भी तू सच्चा है तो उन्होंने कढ़ दे। तो नवजोत सिद्धू जरा चौंक से 400 गवाह है जरा कहें उन्हें हाथ नहीं लाया तो वह बंदा जेल कटाया साल, उदों कितने सरकार उदों कितने जुडिशरी, ये हिंदुस्तान की त्रासदी है। हम नज़र मार दी अज के मौसम के हाल के वाल। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंदा है, नवीं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे, तद तक लई दिओ इजाजत, धन्यवाद।